दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वादा करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। दिल्ली के लोगों को मूर्ख बनाकर केजरीवाल ने सत्ता तो हासिल कर ली, उसके बाद भी केजरीवाल झूठा वादा बार बार करते रहते हैं। दिल्ली वासियों के भावनाओं के साथ खेलने की केजरीवाल की पुरानी आदत है, लेकिन इस बार केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान केजरीवाल ने दिल्ली में रह रहे गरीब किरायेदारों को किराया देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ। अब मामला हाई कोर्ट में चला गया है। कोर्ट ने कहा कि क्या आपकी नियत किराए के 50% भुगतान की भी है? अगर है तो पॉलिसी बनाए, हजारों लोग कतार में दिखेंगे। लेकिन केजरीवाल सरकार हाई कोर्ट में अपने बयान से तुरंत पलट गई। दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि केजरीवाल का बयान कोई वादा नहीं था, सीएम के बयान की रिकॉर्डिंग कोर्ट में सुनाई गई। कोर्ट ने इस पर सवाल किया कि आपकी नियत किराए के भुगतान की नहीं है, पर फिर भी आपने ऐसा वादा किया, क्या हमें इसे रिकॉर्ड करना चाहिए? गौरतलब है कि बीते साल मार्च में केजरीवाल सरकार ने कहा था कि अगर कोई गरीब किरायेदार कोविड-19 महामारी के दौरान किराया देने में असमर्थ है तो सरकार इसका भुगतान करेगी। जुलाई में जस्टिस प्रतिभा सिंह की सिंगल बेंच ने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम के दिए गए बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ये भी बात कही कि केजरीवाल सीएम पद पर बैठे हैं और अगर वो ऐसी बात करते हैं तो ये वादा ही है जिसे कानूनी तौर पर लागू करना चाहिए। इस मसले पर कई किरायेदार और मकान मालिक हाईकोर्ट भी पहुंचे हैं, लेकिन जब केजरीवाल ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि अदालत ने दिल्ली सरकार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की किराया देने संबंधी घोषणा को लागू करने का निर्देश दिया था, पर सरकार इस आदेश का पालन करने में फेल रही है। हालांकि केजरीवाल ने ऐसा पहली बार नहीं किया है जब जनता से वादा कर मुकर गए हों। केजरीवाल की ये पुरानी आदत है, लेकिन इस बार केजरीवाल कोर्ट के चक्कर में बुरे फंसे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या दिल्ली सरकार किरायेदारों से किए अपना वादा पूरा करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।